नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, दशहरे के दिन गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ था। गवर्नमेंट ने ऐसा बोला था कि जो बॉरोअर से जिन्होंने मोरेटोरियम लिया है या फिर जिन्होंने मोरेटोरियम नहीं लिया है, उनको गवर्नमेंट एक्स ग्रेशिया देने वाली है। मतलब कैसे? जो बॉरोअर्स ने मोरेटोरियम नहीं लिया है, उन्होंने लॉकडाउन पीरियड में अपने ईएमआई टाइम पे भरे हैं, तो उनको गवर्नमेंट उनके लोन अकाउंट में कुछ रकम देने वाली है एक्स ग्रेशिया, मतलब बोनस के रूप में। जो बॉरोअर्स ने मोरेटोरियम लिया है, मतलब जिन्होंने ईएमआई नहीं भरे है, उनको गवर्नमेंट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट जो है वो माफ करने वाली है। ऐसा अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने दशहरे के दिन किया था। लेकिन एक बात हमें भूलना नहीं चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में मोरेटोरियम रिलेटेड केस का हियरिंग अभी भी बाकी है। तो अब हियरिंग में क्या क्या मुद्दे सामने आ सकते हैं? तो सबसे पहला मुद्दा आ सकता है कामत कमेटी रिपोर्ट। कामत कमेटी ने अपने रिपोर्ट में बताया था कि कैसे कैसे मोरेटोरियम दिया जा सकता है, किन किन बॉरोअर्स को मोरेटोरियम की ज़रूरत है, किन किन बॉरोअर्स को कंसेशन की रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है। उन्होंने तरह तरह के मुद्दे दिए थे, इस पे चर्चा होना अभी भी बाकी है। तो उसी रिलेटेड आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होना था, लेकिन तुषार मेहता सर जो है वो आज एब्सेंट थे, क्योंकि उनको कहीं और हियरिंग के लिए जाना था। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये केस का अगला हियरिंग रखा है 5 नवंबर 2020 को। हम आपको बता दें, ये केस में और मुद्दे आना बाकी है। कपिल सिब्बल सर जो है उनके पास भी मुद्दों का भंडार है। तो गवर्नमेंट ने एक तरफ से ऐलान कर भी दिया है, लेकिन दूसरे तरफ से भी अभी मुद्दे आना बाकी है। ये केस चलता रहेगा, तारीख पे तारीख ना आए यही गुजारिश हम भी करते हैं कि कुछ डिसीजन आए, बॉरोअर को कुछ और सहूलियत मिल सकती है क्या, इस पे हमारा ध्यान भी लगा हुआ है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज ज़रूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।